आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यह मेरे पास एक बजाज कंपनी का पल्सर 150 cc BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है, और बाइक जो है काफी ज्यादा मिसिंग कर रहा था। बाइक को जैसे ही सेल्फ से स्टार्ट करते बाइक स्टार्ट होता था बट बंद हो रहा था। उसके बाद बाइक का हमने स्पार्क प्लग करंट वगैरह चेकअप के सभी, इस बाइक का प्रॉपर सही था, इसके लेकर कोई भी इशू नहीं था। इस बाइक में चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। अगर चेक इंजन लाइट वर्क करता बाइक को OBD लगा करके यहाँ पे स्कैन करते, बट बाइक में ऐसा कुछ भी मुझे एरर कोड देखने को नहीं मिला है। जैसे बाइक का हमने फ्यूल टैंक ओपन किए तो टैंक के ऊपर में एक हॉल रहता है, कैप जैसे ओपन किया वहाँ पे एक हॉल आपको दिखाई देगा, चलिए आपको वो भी दिखला रहे हैं। ये बाइक का हमने फ्यूल टैंक का कैप को ओपन किया, और कैप को जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा हॉल देख रहे हैं यहाँ पे, ये हॉल जो है ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जब भी बाइक को हम वॉश करते हैं या बारिश में बाइक भींगता है तो उस टाइम हॉल ब्लॉक होने की वजह से बाइक के जो टैंक के अंदर यहाँ इस हॉल होकर यहाँ पानी जा जाता है, पानी जो चला जाता है वो पानी जो है टैंक होकर के नीचे नहीं बह रहा था, क्योंकि ये जो हॉल है ये पानी बाहर निकलने के लिए दिया है यहाँ पे हॉल, और पानी जो है टैंकी से बाहर नहीं जा रहा था, यानी कि इस गड्ढे में पानी रह जाता था, भरा रहता था। जैसे हम बाइक का फ्यूल टैंक को ओपन करते पानी जो है टैंक में चला जाता था, यानी कि बाइक में जो फ्यूल टैंक के अंदर पानी जाता था, वो हॉल तो ब्लॉक है तो पानी यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकेगा, पानी रुकने की वजह से पानी टैंक के अंदर चला जाता था। अब पानी टैंक के अंदर जाने की वजह से देखिए हुआ क्या, इस बाइक का हमने जैसे फ्यूल पाइप को ओपन करके इग्निशन ऑन किया तो पानी वाला पेट्रोल काफी ज्यादा बाहर निकल रहा था। बाइक का हमने यहाँ पे फ्यूल टैंक वगैरह ओपन किया, इसका फ्यूल पंप फ्यूल मीटर सब ओपन कर लिए, और बाइक के अंदर जो भी पेट्रोल था पेट्रोल को बाहर निकाले, और यहाँ पे देखिए ये है बाइक का फ्यूल पंप असेंबल है, इसका पेट्रोल फिल्टर है, और पेट्रोल के अंदर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं पानी पानी हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो हॉल ब्लॉक होने की वजह से पेट्रोल टैंक के अंदर पानी जा रहा था, और वो पानी बाहर नहीं जाने की वजह से टैंक के अंदर ही चला जा रहा था, जिसके वजह से फ्यूल पंप को प्रॉपर अच्छा वाला फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, मिसिंग का प्रॉब्लम था, और सबसे ज्यादा झटका देने लगता था, क्योंकि बाइक का पानी जाने की वजह से इसका फिल्टर का देख रहे कचूमर निकल गया, क्योंकि जब पेट्रोल में पेट्रोल पे चलने वाला बाइक और पेट्रोल के अंदर चला गया पानी, और यहाँ पे डीपली देख रहे हैं पेट्रोल ऊपर है और पानी नीचे वाले सतह पे बैठा हुआ है। आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हैं, देख रहे हैं दो भाग में बांटा हुआ है, पानी नीचे वाले सतह पे और पेट्रोल ऊपर वाले सतह पे है। तो होता क्या था कि फ्यूल पंप तो पेट्रोल के अंदर डूबा रहता है, तो सबसे निचले वाले सतह पे पानी था, पेट्रोल टैंक में फ्यूल पंप को पानी वाला पेट्रोल मिल रहा था, जिसके वजह से पाइप होकर के तो फ्यूल आ रहा था लेकिन पानी वाला फ्यूल आ रहा था, जिसके वजह से इंजेक्टर जो है प्रॉपर हेड के अंदर छिड़काव नहीं कर पा रहा था, और हेड के अंदर जो स्पार्क प्लग से करंट जनरेट था वहां पे ब्लास्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी में तो आग लगेगा नहीं, आग लगेगा पेट्रोल में और इंजन के अंदर ब्लास्ट होता है, उसी पे बाइक चलता है, तो पानी वाला पेट्रोल था जिसके वजह से बाइक स्टार्ट वगैरह मिसिंग झटका का प्रॉब्लम काफी आ गया था। अगर आप लोग के पास भी बजाज का बाइक है, कोई भी बाइक है जिस बाइक में फ्यूल टैंक का जो कैप है फ्यूल बराबर में है टैंक बराबर में है, उस टाइम इस तरह का आपको बाइक में हॉल देखने को मिलेगा, तब समझ जाइए अगर ये हॉल ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं आपके बाइक के टैंक में पानी जाता होगा, तो तुरंत आप मैकेनिक के पास जाइए और इस हॉल को क्लियर करवाइए, नहीं तो आपके भी बाइक का कुछ दिन में टैंक जंग लग जाएगा और फ्यूल पंप का कचूमर निकल जाएगा। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेट्रोल फिल्टर को क्लीन करेंगे, तो पेट्रोल फिल्टर को क्लीन करने यहाँ पे टोटल बॉडी क्लीनर का स्प्रे का हम यूज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, देखते हैं पानी जाने की वजह से इसका क्या कंडीशन होगा। आप देख रहे हैं अब इसको जस्ट उसके बाद हम एयर गन का यूज करेंगे, ब्लैक पेट्रोल फिल्टर खराब हो गया और आपके बाइक का फ्यूल पंप सही है तो उस टाइम आपके पेट्रोल फिल्टर मार्केट में अलग से भी मिल जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये पानी जाने की वजह से इसका कंडीशन ये होगा, इसको हम क्लीन कर देंगे तो प्रॉपर सही हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर पेट्रोल डालना है फिर उसके बाद एयर डालना है, चार पांच बार इसी तरह से क्लीन करना है, प्रॉपर ये क्लीन हो जाएगा। पेट्रोल फिल्टर हमारा प्रॉपर क्लीन हो गया, अब हम एक बार फ्यूल पंप को भी थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं यहाँ पे, इस हॉल में थोड़ा ही प्रेशर डालना है, फ्यूल नहीं आने की वजह से पेट्रोल फिल्टर के अंदर पानी चला गया था, भरपूर पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पानी वाला पेट्रोल जाएगा बाइक में तो कभी ऐसा नहीं कि बाइक प्रॉपर अच्छा से चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अब चलिए इस पेट्रोल फिल्टर को हम
फ्यूल पंप से यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, फ्यूल फिल्टर को देखिए परफेक्ट जो सेटिंग हो गया। अब चलिए बाइक में हम फटाफट से इस फ्यूल पंप को सेटिंग कर लेते हैं। इससे पहले टैंक को चलिए अच्छा से हम फ्रेश टावल की मदद से इसको क्लीन कर लेते हैं और हॉल को अच्छा से फ्री कर देते हैं। तो गाइस देखिए फ्यूल टैंक वगैरह हम क्लीन कर ले, लेकिन यही वो हॉल है जिसके होकर पानी बाहर आता है, तो हॉल वैसे क्लीन नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे ड्रिल मशीन में देखिए हम एक जुगाड़ बांध रखे हैं कुछ इस तरह से, देख रहे जुगाड़ बांध रखे अब इस हॉल के अंदर डालते हैं, क्योंकि काफी दिनों से बंद होने की वजह से इसके अंदर रस्ट लग करके हॉल जो है ब्लॉक हो गया था। एयर वगैरह डालने से फ्री होगा नहीं, इसको फ्री करने के लिए ड्रिल मशीन का यहाँ पे यूज करेंगे। देख रहे हैं वाव यार, देख अभी भी फ्री होने का नाम नहीं ले, देख रहे हॉल हो गया फ्री। इधर से देखिए देखिए इस तरफ आ गया तार, यहाँ पे तार इस तरफ आ गया, यानी कि हॉल ये प्रॉपर फ्री हो गया। अब चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। हॉल प्रॉपर फ्री हो गया यहाँ पे, देखिए ऊपर से डाल रहा हूँ नीचे, ये देखिए नीचे बाहर जा रहा है। अब इधर देखिए हॉल में जो भी कुछ डाले वो नीचे चला गया, कहीं ना कहीं बाइक का जी देखिए यहाँ पे आ गया बाहर। हॉल इसका प्रॉपर फ्री हो गया। अब चलिए हम टैंक वगैरह को अच्छा से क्लीन कर लिए हैं, फ्यूल पंप फ्यूल मीटर वगैरह को सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद बाइक में हम सेटिंग कर देंगे। अभी इसके अंदर देखिए कितना पानी, 1 लीटर पानी था, तो कैसे भाई बाइक चलेगा, इतना पानी चला जाएगा टैंक के अंदर। और ये हुआ है बारिश में बाइक भीजने की वजह से। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं बारिश के टाइम बाइक को बारिश में ही छोड़ देते हैं, दरवाजे पर लगा रहता है पार्किंग में, तो उस टाइम पानी चला जाता है। और वही हॉल ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है टैंक के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। तो अभी चलिए फटाफट से हम फ्यूल पंप वगैरह को क्लीन कर लिए, इसके अंदर ये रबर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए बाइक में हम फटाफट से इसको कर लेते हैं सेटिंग। उसके साथ साथ देखिए बाइक में फ्यूल पंप को हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिए, फ्यूल मीटर को सेटिंग कर लिया। अब चलिए बाइक में हम फ्यूल टैंक को सेटिंग करते हैं, उसके बाद इग्निशन ऑन करके आप लोग यहाँ पे दिख लाएंगे फ्यूल कितना आ रहा है, क्योंकि पहले फ्यूल काफ़ी कम आ रहा था। तो गैस देखिए बाइक में फ्यूल टैंक वगैरह हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए हम बाइक यहाँ पे किल स्विच ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पेट्रोल अब प्रॉपर आ रहा है। पहले क्या था कि पेट्रोल इतना भरपूर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले पेट्रोल रुक रुक कर रहा था, क्योंकि फ्यूल पंप के अंदर चला गया था पानी, जिसकी वजह से क्योंकि पानी मोटा होता है और पेट्रोल जो पतला होता था, इसकी वजह से फ्यूल जो है प्रॉपर नहीं आ रहा था। अब चलिए यहाँ पे हम फ्यूल पंप का कनेक्टिविटी को यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट और देखते हैं बाइक को स्टार्ट कर। देखिए पहले क्या था कि बाइक प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा था, स्टार्ट नहीं होने का एक ही रीजन है कि फ्यूल पंप के अंदर पानी था, फ्यूल पंप के अंदर और फ्यूल टैंक के अंदर पानी था, तो फ्यूल पंप में पानी चला जा रहा था। अब फ्यूल पंप में जो पानी जाता था फिर वो फ्यूल इंजेक्टर में जाता था, फिर पानी जो है हेड के अंदर भी छिड़काव हो रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोल में जो पानी मिक्स है तो दोनों साथ साथ जाता था, जिसकी वजह से बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, मिसिंग का प्रॉब्लम, बाइक काफी ज्यादा झटका दे रहा था। अगर आप लोग भी बारिश में बाइक को लगाते हैं, आप टाइम टाइम पे वॉश करवाते हैं, उस टाइम आपको ये जो आपको हॉल दिख रहा है इस हॉल को आप जरूर क्लीन रखें, नहीं तो आपको भी बाइक में यही कंडीशन आ जाएगा। देख रहे इस हॉल को क्लीन किए हैं। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर से हम आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।